आमिर खान का रह गया एक सपना अधूरा। किरण राव को बनाना चाहते थे अपनी हीरोइन। एक फिल्म में ऑफर किया था खास रोल, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपनी पत्नी किरण राव के साथ डिवोर्स की खबरों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन उनका डिवोर्स लेने का फैसला फैंस के लिए काफी शॉकिंग रहा है। इन सब के बीच अब जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सालों पहले आमिर ने खुलासा किया था कि वो एक फीचर फिल्म में किरण के साथ काम करना चाहते थे। वेल, बेशक किरण राव एक फेमस फिल्म डायरेक्टर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने आमिर की हिट फिल्म दिल चाहता है में एक कैमियो रोल किया था। और जागरण की इसी रिपोर्ट के मुताबिक कई साल पहले आमिर ने भी रिवील किया था कि वो किरण के साथ फिल्म में एक्टिंग करना चाहते हैं। रिपोर्टेडली 2013 में आमिर ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं चाहता था कि किरण मेरे डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म धोबी घाट में एक रोल प्ले करें। मैंने उन्हें यास्मीन का रोल ऑफर किया था। फिल्म में यास्मीन वो लड़की होती है जिसके प्यार में मेरा कैरेक्टर पड़ जाता है। मैंने किरण को फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते देखा था। वही यास्मीन का कैरेक्टर वैसा ही है जैसा उन्होंने दूसरे रोल में किया था। मुझे लगा था कि किरण यास्मीन के रोल में बेहतरीन काम करेंगी। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान के इतना इंसिस्ट करने के बावजूद किरण ने यास्मीन का रोल करने से मना कर दिया। बाद में इस रोल को कृति मल्होत्रा ने निभाया था। किरण के मना करने के बावजूद आमिर ने फिर भी किरण के सामने उनके साथ एक फिल्म करने का प्रपोजल रखा। आमिर खान रिपोर्टेडली फाइंड्स अ फाइन आर्टिस्ट इन किरण, और उन्हें लगा दोनों को एक साथ कम से कम एक फिल्म जरूर करनी चाहिए। बट इट सीम्स आमिर की ये विश अनफॉर्चुनेटली अधूरी ही रह गई। As the couple after 15 years of marriage called it quits last week on Saturday. However, what's your reaction on this unknown fact about couple? Do let us know in the comments. Also, अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें बॉलीवुड नाउ के साथ।